गुवाहाटी में हम लोग की बैठक है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिनों के बाद बैठक हो रही है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो इन सबों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और मूल रूप से अपने नॉर्थ ईस्ट के भारतीयों को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज इस संवेदनशील इलाके में जो कई चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार की, अलगाववाद की, बांग्लादेश से घुसपैठियों की, आतंकवाद की, इन सबों में हम उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ भावनात्मक लगाव के कारण हम यहां आए हैं। बाकी हम चर्चा करेंगे दो दिन, अभी संगठन मंत्री प्रदेश अध्यक्षों की बैठक चल रही है। पार्टी के कई अध्यक्षों का कहना है कि पार्टी दुविधा में, दुविधा से उबरना हो, किस तरह की दुविधा? पार्टी में कोई दुविधा नहीं है, हम हर जगह जीत रहे हैं। दुविधा में, परेशानी में कांग्रेस पार्टी है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट में भी, आसाम में। स्वामी अस्सीमानंद का पूछताछ भी है, उन्होंने कबूल कर लिया है। देखिए, हमारा जवाब बहुत सीधा है, जो भी आतंकवाद की गतिविधियों में हो कार्रवाई करे, इसमें हम कोई धर्म की बात नहीं देखते, कोई आस्था की बात नहीं देखते, लेकिन जो सैफरन टेरर की बात कही जा रही है इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम तो कभी मुस्लिम टेरर नहीं कहते, हम जिहादी आतंकवाद कहते हैं। इसलिए भगवा ऐसे भारत के संस्कृति के रंग पर इस तरह के आतंकवाद का रंग चढ़ाना ये बिल्कुल अनुचित है। जहां तक मालेगांव की एक बात है, मैं भारत सरकार को एक बात स्मरण दिलाना चाहूंगा, समझौता एक्सप्रेस की बात है, तो भारत सरकार ने दुनिया को यह बताया था कि इसमें पाकिस्तान को लोग इन्वॉल्व थे और यूएन में भी उनका नाम दिया है। अब भारत सरकार तय करे, हम किसी भी जांच के खिलाफ नहीं है, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई भी अगर अनुसंधान होगा तो उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह की राजनीति को प्रभावित करने की राजनीति भारत सरकार नहीं करे। लेकिन उन्होंने कबूल कर लिया, बाकी कर लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें कुछ नहीं कहना।